पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह की जयंती 23 मार्च को पंजाब में छुट्टी का ऐलान किया गया और साथ ही ये भी कहा गया है कि पंजाब विधानसभा के अंदर भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब से सांसद जसबीर गिल साहब है। सर, ये फैसला कि छुट्टी 23 मार्च को होगा, प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाया जाएगा, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल भी उठता है कि क्या गांधी जी की तस्वीर सरकारी दफ्तरों से निकालना जरूरी था? मैं पंजाब सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं, जैसे उन्होंने भगत सिंह जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा लगाने की, उनकी तस्वीरें सरकारी दफ्तरों पर लगाने की जो ऐलान किया। मगर मेरी एक बेनती है, मेरी गुजारिश है भगवंत मान जी से, पंजाब सरकार से, कि कृपा करके, गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए। आज गांधी जी की जो अहिंसा की डॉक्ट्रिन, जो उनकी फिलॉसफी है, उसको सारा विश्व जो है उसको पहचानता है। यहाँ तक कि अमेरिका जाके हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बापू गांधी की वहाँ बात करनी पड़ती है, चाहे मजबूरी में सही, मगर वो करते हैं। तो ऐसे आदमी की तस्वीर को ना हटाया जाए, हम जिसको जितनी तस्वीरें चाहे लगा दें। तो मेरी ये बेनती है कि कम से कम गांधी जी को, जो फादर ऑफ द नेशन है, जो उनको उनका बनता इज्जत और मान सत्कार मिलना चाहिए। गिल साहब, पंजाब सरकार जब से बनी है, नई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भगवंत मान कई सारे फैसले ले गए हैं। लगातार आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी किया था, इसी तरह से भगवंत मान की सरकार ने किया। 25,000 सरकारी नौकरियों की बात की गई, SIT में बदलाव किया गया। तो इस तरह के जो फैसले बड़े लिए जा रहे हैं, या आज जो फैसला लिया कि 23 मार्च को हॉलीडे होगा, क्या आपको लगता है सही ट्रैक पे है आम आदमी पार्टी की सरकार? देखिए, हमेशा ही जो आप आदमी पार्टी है, इसके कैनी और कथनी में कुछ अंतर है। मैं समझता हूं कि ये नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, मगर क्या वो दृढ़ता इनमें है कि इनको इम्प्लीमेंट करवाने की? जैसे लोकपाल की बात करते हैं, ये सबसे पहले आप इस अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन किया, पर अभी तक कितने साल बाद वो लोकपाल कहाँ? सो ये फैसले अच्छे हैं, मगर इनको उनके सही अंजाम पे पहचाना, उसके बाद इसके बारे में कुछ कहा जाए तो बेहतर है। एक सवाल, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कई लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की जनता ने वोट किया लेकिन कैंडिडेट बाहर के ले आए अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये हमारे साथ होना ही था, ये चाहे पर्दे के पीछे छुप के, चाहे कैसे, ये रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहते। पंजाब भी एक ऐसा लोग है जो सर का ताज भी बहुत जल्दी बनाते हैं, अगर उनसे धोखा हो तो उस ताज को पैरों तले रौंदते भी जल्दी। सो मैं समझता हूँ कि जितना कर दिया बहुत है, अब इससे ज़्यादा पंजाब और पंजाबियों को अनदेखा मत करना, कहीं ये ना हो कि ये पंजाबियों ने आज आपको सर पे बताया है, बाद में उनको आपको फिर सर के उतार के फेंकना पड़े, ये अब इनके हाथ में है। मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब से लोग आते जो पंजाब के मुद्दों पे बात करते, वो ठीक था। मैं बात पजी जी, हरभजन सिंह जी का बहुत अच्छा, यहाँ तक के जो हमारे हम जिनको राघव चड्ढा, चलो पंजाब से संबंधित है, पर बड़ा लंबा सवा पंजाब में, बाकियों की तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो मैं समझता हूँ कि मैं ये उनका, वैसे तो है तो इनका दूरी मामला, ये आप जिसको चाहे, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत दिया है,
अगर इस मोहम्मद के बदले में कम से कम जो पंजाब के साथ इंसाफ कर सके उन लोगों को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए था। गिल साहब, एक सवाल कांग्रेस को लेकर। काफी टाइम हो गया, अब तो नतीजे भी आ गए, जो होना था वो हो गया, लेकिन आपकी पार्टी अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष से भी इस्तीफा ले लिया, नवजोत सिंह सिद्धू अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। सीएलपी कब डिसाइड होगा? क्या हार के सदमे से आप लोग बाहर नहीं निकले हैं? क्या इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है? कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष से आप सभी सांसदों ने मुलाकात की थी। देखिए, अब जो कोई भी फैसला है ये तो हमें लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 2 दिन ठहर के ले लेंगे। मगर इसमें जो हमारी हाई कमांड है, जो हमारी लीडरशिप है, उनकी ये कोशिश है कि ऐसे लोगों को बनाया जाए जो सभी को साथ लेके चल सके, जो एक क्रेडिबल लीडरशिप जो पंजाब के लोगों को दे सके, जो एक अच्छी भूमिका जो है वो एक ऑपोजिशन में निभा सके। कांग्रेस आज प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है पंजाब में। जितनी सरकार की भूमिका की अहमियत है उतनी ऑपोजिशन की अहमियत भी है। सरकार को उनको कोई कुराहे पे ना चले उसको रोकने की जिम्मेवारी ये ऑपोजिशन पार्टी की रहती है। तो मैं समझता हूँ कि इसका फैसला जल्दी लिया जाएगा, इसके लिए विचार विमर्श हो रहा है, काफी जो है इस पे बात चल रही है। एक अच्छी लीडरशिप, मुझे विश्वास है कि हमारी लीडरशिप पंजाब में देगी। तो साफ तौर से जसबीर गिल, जिनका कहना है कि भले ही हारी हो कांग्रेस, लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, और बहुत जल्द पंजाब को लेकर कांग्रेस नेतृत्व कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।